हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड के पहले प्रकार की समस्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक दोहरा प्रबलित कंक्रीट खंड का काट 300 × 600 mm, जो इसकी कुल गहराई दी गई, कैपिटल दी गई, तथा इसके निचले भाग में 22 mm व्यास के 4 छड़े, ये हमें निचले में कह रहा है, ठीक है, तथा ऊपरी भाग में 16 mm व्यास के 3 छड़े। अब देखिए, ऊपरी भाग में जो हमें कह रहा है, ये जो व्यास के हमारे संपीड़न में हो जाएंगे, संपीड़न निष्पात में क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये हमारा तनन निष्पात में क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो सभी छड़ों का प्रभावी आवरण, ये जो हमें डी और कैपिटल डी, जो डी डैश है, दोनों हमारा ये 40 mm है। तथा इस धन की उदासीन अक्ष की गहराई ज्ञात करें, और फिर हमें यहाँ पर पत्रुधि आघूर्ण ज्ञात करना है, और सीमा सी बराबर 5 और सीमा एच बराबर 230 और यम बराबर 18 हमें दे दिया गया है। तो ठीक है, तो हम सबसे सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो भी हमें दिया गया है धरन की चौड़ाई, तो देखिए यहाँ पर आपको धरन की चौड़ाई दे दी गई है 300 mm, धरन की प्रभावी गहराई, धरन की प्रभावी गहराई जो होती है कैपिटल डी, जो हमारी स्मॉल डी होगी, वो कैपिटल डी में से हमारा कितना होगा प्रभावी आवरण, जो हमारा यहाँ से देखिए 40 है, दोनों में है, इसमें से हम -40 कर देंगे, तो 560 में हमें स्मॉल डी हमारा यहाँ से प्रभावी आवरण। फिर क्या करते हैं, हम संपीडन में जो हमारा क्षेत्रफल में दिया गया उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो संपीडन इस्पात का क्षेत्रफल, संपीडन साथ क्षेत्रफल देखिए हमें दिया गया है कि यहाँ पर संपीडन साथ में जो छड़े हमें दी गई हैं, कि निचले भाग में देखिए 16 mm व्यास के 3 छड़े, तथा ऊपरी भाग में जो होगा संपीडन में होगा, तो हमें 16 mm के 3 छड़े, तो यहाँ से हमारा ASC हो जाएगा, ASC जुगल हो जाएगा, तो वहाँ π d² / 4 से ज्ञात करेंगे, तो हमारा 3 एक छड़ का आ जाएगा क्षेत्रफल 201, जिसको चेंज करेंगे आ जाएगा 203 mm². इसी प्रकार से ST ये हमारा तनन निष्पात का क्षेत्रफल होता है ASD, तो ST जुगल हो जाएगा, चूँकि ये छड़े चार छड़े हैं 22 mm की, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 380, तो इसको चेंज करेंगे आ जाएगा 20 mm², तो हमें जब ASD और ASC हमें ज्ञात किया था, तो हमें हमारा जो सेकंड स्टेप आता है धरन का क्रांति बल शून्यरेखा ज्ञात करते हैं, ठीक है, चूँकि हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है इसमें, तो हमारा ये धरन की क्रांतिक बल शून्यरेखा कांतिबल शून्य रेखा बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए कहीं कहीं फार्मूला लगा लेते हैं, m σ cb / σ st और x / d - x, या फिर m σ cb + σ st कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर m का मान 18, सिग्मा सी बी का मान हमें पता है 5, सिग्मा एस टी 230 दिया गया है, x हमें ज्ञात करना है, और d बराबर हमें यहाँ से ज्ञात हो गया 560, तो 560 माइनस x, ठीक है। यहाँ से अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 158 mm। तो यहाँ से देखिए हमारा तीसरा स्टेप आता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पर हमारा फार्मूला होता है bx² / 2 × 1.5 m - 1 × ASC। देखिए ASC यहाँ पर तनन निष्पात का हमारा क्षेत्रफल है, तो यहाँ से ASC × x - d', ये d' का प्रभावी आवरण है, अब यहाँ से m ASD × d - x, ठीक है। तो अपने जो भी हमें वैल्यू सारे दी गई उसको हम पहले इस मान में रखते हैं, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो देखिए यहाँ पर b बराबर जो दिया गया 300 × x² / 2 × 1.5 × यहाँ से देखिए m बराबर 18 है -1, तो देखिए अब यहाँ से ASC बराबर हमें अभी निकाला है कि 306 × x - 40 = 18 × 1520 × 560 - x, क्योंकि हम बराबर देखिए हमें यहाँ पर 18 था, और ST बराबर हमें निकाला है 1520, ठीक है, और D बराबर 560, और x हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से हमारा जो x की वैल्यू हमें मिल जाती है, तो x बराबर हमारा जो आंसर आता है 213 mm², ठीक है। तो देखिए ये वास्तविक का है, और यहाँ से हमें जो पता है ये हमारा, ये हमें देखिए क्रांतिक है, तो क्रांतिक जो हमें वास्तविक से कम आता है हमारा अतिप्रबलित होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं वास्तविक न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रांतिक न्यूट्रल एक्सिस। तब इसके लिए दीदी हमारे तो हमें क्या, हमारा जो फार्मूला होता है ये हमारे ज्ञात करने का, bx σ cb / 2 × d - x / 3 × 1.5 m - 1
एम माइनस वन, अरे सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस होता है, एम इंटू ए एस सी इंटू सिग्मा डैश सी बी इंटू डी माइनस डी डैश, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हो जाएगा। तो इसमें अभी देखिए हमें सिग्मा सी बी का मान नहीं पता, तो हमें सिग्मा सी बी निकाल लेना पहले। तो सिग्मा डैश सी बी, तो सिग्मा डैश सी बी बराबर होता है फार्मूला सिग्मा सी बी इंटू एक्स माइनस डी डैश अपान एक्स। तो देखिए यहाँ से हमें सिग्मा सी बी का हमें मान पता है फाइव, एक्स बराबर हमें पता है 213, हमने पीछे भी यहाँ से देखिए निकाला 213 माइनस डी डैश बराबर हमें 40 दिया गया है आवरण 40, यहाँ से एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 213, सॉरी तो आराम से देखिए फिर यहाँ से चेंज करने आ जाएगा 06। तो हमें यहाँ से सिग्मा डैश सी बी का मान पता चल गया। तो सिग्मा डैश सी बी का मान इसमें ऊपर रखेंगे तो यहाँ हमारा एम आर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से हमें बी है, बी बराबर हमें 300 है, ठीक है, और एक्स बराबर 213, तो बी एक्स सिग्मा सी बी बाय टू, तो बी बी बराबर 300, एक्स बराबर 213 और सिग्मा सी बी बराबर होता है 5 बाय टू इंटू डी बराबर हमें 560 है और एक्स बराबर हम भी निकाले हैं 213 बाय 3 धन 1.5 इंटू 18 माइनस 1, चूँकि एम एम बराबर 18 है माइनस 1 इंटू ए सी, ए सी बराबर हमने निकाला था वहाँ से 603। अब यहाँ से गुड़े हो जाएगा, देखिए 603 यहाँ से हमें ये ज्ञात होगा। और सिग्मा डैश सी बी, सिग्मा डैश सी बी को भी हमने यहाँ से निकाला 4.06 इंटू डी डी माइनस डी डैश, डी का भी देखिए पहले हमें बताया गया 560 माइनस 400। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमारा आंसर आ जाएगा ये, तो इस प्रकार से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।